विवादों में रहा फिर भी माधुरी को फेमस कर गया। कैसे हुई थी नैने और माधुरी की शादी? क्या खलनायक 2 में नजर आने वाली हैं माधुरी दीक्षित? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। वही बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के फैंस आज भी उनकी फिल्मों और उनके डांस के लिए उन्हें प्यार करते हैं। आज भी फीमेल एक्ट्रेस माधुरी के डांस को अपनी प्रेरणा मानती है। दोस्तों, माधुरी का बर्थडे 15 मई को ही है, लेकिन आपको बता दें कि इस खूबसूरत बला को भी इनकार का स्वाद चखना पड़ा है। भाई, माधुरी दीक्षित के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें, इसीलिए दोस्तों उन्होंने कम उम्र में ही माधुरी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। एक्ट्रेस के पेरेंट्स ने रिश्ता तलाशना शुरू किया और इसी बीच सिंगर सुरेश वाडकर को माधुरी की फोटो भेजी गई। उन दिनों सुरेश अपने सिंगिंग करियर में आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने माधुरी की फोटो देखी तो दुबली पतली दिखने के कारण रिश्ते से उन्होंने मना कर दिया था। इस रिश्ते के नहीं बनने के कारण एक्ट्रेस के पेरेंट्स को ये चिंता सताने लगी कि अगर जल्दी शादी नहीं हुई और बेटी का फिल्मी सफर चल पड़ा तो शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी। हालांकि दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी किस्मत में तो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनना लिखा था। माधुरी ने सबसे पहले 1984 में फिल्म अबोध से करियर शुरू किया था और उनकी यात्रा हर फिल्म के साथ रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई। इस सफर के साथ माधुरी का एक और सफर शुरू हुआ जो था माधुरी और नैने की शादी का। माधुरी और श्रीराम नैने की पहली मुलाकात उनके भाई की एक पार्टी के दौरान हुई थी। उस समय श्रीराम नैने को नहीं पता था कि माधुरी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं। हालांकि दोस्तों, दोनों की दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों बाइकिंग के लिए गए और दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई। श्रीराम नैने की खास बात उन्हें ये लगी कि वो माधुरी एक्ट्रेस से नहीं बल्कि माधुरी एक सामान्य लड़की से प्यार करते थे। वो माधुरी को एक आम लड़की समझकर ही व्यवहार करते थे। माधुरी के अनुसार श्रीराम नैने को ये भी नहीं पता था कि वो इंडिया में बेहद पॉपुलर हैं। 1999 में दोनों की शादी हुई और माधुरी अमेरिका जाकर रहने लगी थी। माधुरी दीक्षित उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट्स फिल्में दी हैं। साथ ही कई नामचीन कलाकारों संग काम भी किया है। उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डांस में भी खूब नाम कमाया है। वहीं दोस्तों, माधुरी दीक्षित की जिंदगी को ध्यान से देखें तो जितनी सुर्खियां उन्होंने अपने काम को लेकर बटोरी हैं, उतनी ही उन्होंने अपने अफेयर्स के चलते भी बटोरी हैं। एक्टर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के रिलेशनशिप किसी से नहीं छिपे हैं। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ये भी था जब माधुरी के अफेयर्स की खबरें उफान पर चढ़ रही थी और सुभाष घई ने माधुरी से नो प्रेगनेंसी क्लोज पर साइन करवा लिया था। लेकिन दोस्तों, फिर भी खलनायक मूवी ने माधुरी को एक नाम दिया। उनका चोली के पीछे का सॉन्ग काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब इसी पॉपुलैरिटी की वजह से खलनायक 2 में भी माधुरी को चोली के पीछे सॉन्ग के रीमेक में साइन किया गया है। हालांकि दोस्तों, पहले इस पर जैकलीन के लिए बात चल रही थी, लेकिन बाद में माधुरी दीक्षित से पूछने के बाद माधुरी को ही फिल्म में साइन कर लिया गया है। तो आप एक बार फिर से कितने उत्साहित हैं चोली के पीछे सॉन्ग को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।